काम लिख लिया। कैसे हैं बच्चों आपके? अच्छा जी, लास्ट हमने अपनी क्लास में पढ़ा था बेटा, हमारे पास 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, 5 हेड्स आर डेबिट हेड्स एंड 5 हेड्स आर क्रेडिट हेड्स। तो आप ना इस तरह मुझे मान लेगा, जी हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? हमने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है, 10 क्लासेस में हमने उसको क्लासिफाई करना है, यानी कितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वालेकुम अस्सलाम। राइट, हमने इसमें दो कैटेगरीज देखी, एक थी डेबिट कैटेगरी यानी डेबिट हेड्स होते हैं, और दूसरी थी क्रेडिट कैटेगरी यानी क्रेडिट हेड्स होते हैं। जी बेटा आप बताइए, 5 डेबिट हेड्स कौन कौन से थे हमारे पास, कौन बताएगा? जी डेबिट हेड्स, जी परचेजेस, गुड, परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न, गुड, ड्राइंग्स, गुड, उसके बाद है एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। दीज आर 5 हेड जिनको अकाउंटिंग में डेबिट कैटेगरी में रखा गया। क्रेडिट हेड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, यस परचेज रिटर्न, यस सेल्स, गुड, कैपिटल, गुड, वेरी गुड, अदर इनकम्स एंड लाइबिलिटीज। दीज आर 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। कल हमने सीखा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से हेड्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, और अब हमने उनकी मूवमेंट को देखा, अपवर्ड मूवमेंट है बैलेंस में या डाउनवर्ड मूवमेंट। आज हम क्या सीख रहे हैं उसी को एक्सटेंड भी करेंगे, साथ ही एक लर्निंग आउटकम और ऐड कर लेते हैं। लिख रहा हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। फॉर डेबिट हेड्स, जो भी डेबिट हेड्स हैं पहले उनके लिए, तो डेबिट हेड्स पहला रूल क्या है? इंक्रीज इन बैलेंस। अगर उनके बैलेंसेस में इंक्रीज हो तो हमने क्या करना है, उनको डेबिट कर देना। अब डेबिट क्या है, ये अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अभी देखते हैं। अगर इनके बैलेंसेस में कमी हो, ये जो डेबिट हेड्स हैं से परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इनके बैलेंसेस में कमी हो, बैलेंस में कमी, मैं अगेन कह रहा हूँ डिक्रीज इन बैलेंस, बैलेंस में कमी हो, डिक्रीज इन बैलेंस अकाउंटिंग कहती है इसको, आप क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंटिंग के दो अल्फाबेट्स हैं, ट्रांजैक्शंस में से कुछ हेड्स को डेबिट करना होता है, कुछ को क्रेडिट करना होता है। अगर दो हेड्स है, एक हेड डेबिट होगा, दूसरा हेड क्रेडिट होगा। एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट, एवरी पॉजिटिव हैव अ नेगेटिव, हर कॉइन के दो हिस्से होते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग की लैंग्वेज के दो अल्फाबेट हैं, और इसी से पूरी अकाउंटिंग लैंग्वेज हमें समझ आ जाएगी। दूसरा फोर क्रेडिट हेड्स, थैंक यू बेटा, फोर क्रेडिट हेड्स, नहीं बेटा थैंक यू। क्रेडिट हेड्स क्या हैं? हमने देखा अभी क्रेडिट हेड्स हैं हमारे पास 5, परचेज रिटर्न्स, सेल्स, कैपिटल, अदर इनकम्स एंड लाइबिलिटीज। दीज आर 5 हेड्स विच आर क्लासिफाइड एज क्रेडिट हेड्स। अब इनके बैलेंसेस में, कल हमने सीखा ना बैलेंस क्या है, बैलेंस में अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर इंक्रीज इन बैलेंस आए, इंक्रीज इन बैलेंस, बैलेंस में इजाफा होगा, क्रेडिट हेड्स हैं तो हमने क्या करना है, इनको क्रेडिट करना। यानी डेबिट हेड्स के बैलेंस में इजाफा हो तो डेबिट, क्रेडिट हेड्स के
बैलेंस में इजाफा होगा तो क्रेडिट। अब आइए अगर ऑपोजिट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन बैलेंस, अगर इनके बैलेंस में कमी आ जाए तो हमें क्या करना है, डेबिट करना। अगर आप इसकी लॉजिक समझिए आसानी से, फाइव हेड्स आर डेबिट हेड्स, उनके बैलेंस में इजाफा हो तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, यानी डेबिट बैलेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट, क्रेडिट हेड्स के बैलेंसेस में इजाफा हो तो क्रेडिट। ठीक है, ये तो आसान बात हो गई, डेबिट हेड्स के बैलेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट हेड्स के बैलेंसेस में इजाफा हो तो क्रेडिट। अब देखें, डेबिट बैलेंसेस, डेबिट जो हेड्स हैं उनके बैलेंसेस में कमी हो तो क्या करना है, क्रेडिट कर देना। यहाँ डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट हेड है उसके बैलेंस में कमी है तो क्रेडिट, ऑपोजिट कर देना। इसी तरह अगर क्रेडिट बिल्कुल इसी तरह क्रेडिट हेड्स हैं उनके बैलेंस में इजाफा हो यानी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। तो ये सुनहरी असूल है अकाउंटिंग के। कल हमने दो तरह की ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ परचेजेस। ये सिखाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हु आर द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बल्कि इनमें डिफरेंस ही समझ लें, क्रेडिटर्स वर्सेस एक टर्म यूज होगी, एक सब हेड यूज होगा, अकाउंट्स पेबल, एक हेड होगा लोन पेबल, और एक टर्म आएगी वर्सेस अदर पेबल्स। अदर पेबल्स, चलिए फिलहाल आपकी तीन समझिए, अदर पेबल्स को फिलहाल छोड़िए। क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके हमने पैसे अदा करने हों, लेकिन क्यों हम उनके पैसे क्यों अदा करेंगे, अच्छा अकाउंट्स पेएबल, इसको देख के भी लग रहा है ऐसे अकाउंट्स, ऐसे लोग जिनके हमने पैसे अदा करने हैं, यहाँ से लग रहा है लोन पेएबल, यानी ये भी वो लोग हैं जिनके हमने पैसे अदा करने हैं, लेकिन अदा क्यों करने हैं, ये है सवाल। क्रेडिटर्स से हमने क्रेडिट परचेजेस की हुई है, क्या की हुई है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं जिन अशिया की, हमने वो गुड्स उधार पे खरीदी हैं, उन लोगों के पैसे अदा करने हैं, उन लोगों को कहते हैं क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स का जब लफ्ज यूज हो तो क्रेडिटर्स कौन है, हमने इनके पैसे अदा करने हैं, लेकिन हैं कौन, क्यों अदा करने हैं, क्योंकि हमने इनसे गुड्स को उधार पे खरीदा हो। गुड्स क्या है ये तो हमें पता है, हम जिस बिजनेस की ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उनको हम गुड्स बोल रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है जी। तो क्रेडिटर्स हमारे, हमने इन लोगों के पैसे अदा करने, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है जी, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन ये कौन सी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के भी कैटेगरीज हैं, ये वो लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट हमने गुड्स उधार पर खरीदी। अब लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है तो ये भी लाइबिलिटी, लेकिन ये कौन सी लाइबिलिटी है जिनसे हमने परचेस्ड एसेट्स, इनसे हमने एसेट्स खरीदे हैं यानी असासे खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, यानी अकाउंट्स पेएबल का लफ्ज आए तो हमें पता चल जाना चाहिए कारोबार ने इन लोगों के पैसे अदा करने हैं, लेकिन क्यों अदा करने हैं भाई, क्योंकि इनसे एसेट्स उधार खरीदे, एसेट्स मतलब हमने फर्नीचर खरीदा होगा, हमने एसी खरीदा होगा, हमने कंप्यूटर्स खरीदे होंगे, हमने लैंड खरीदी होगी, हमने बिल्डिंग खरीदी होगी, हमने कार खरीदी होगी, सारे एसेट्स है
अगर उधार पे खरीदे हुए हैं तो जिन लोगों को पैसे अदा करने हैं उनको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं अकाउंट्स पेबल। है हमारी लाइबिलिटी, हमने पे करना है, लेकिन टेक्निकली या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, अकाउंट्स पेबल। अब ये लिखा है जी लोन्स पेबल, ये भी हमने कर्ज है, कर्ज है ये भी अदा करना है, लेकिन क्यों अदा करना है, क्योंकि हमने इनसे कर्जा लिया ना, ना ना लोन पेबल जी, ना 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 कैश और बैंक नहीं, ये ना लिखें, आप लिखें सिक्योर्ड लोन मनी, आपने इनसे कर्जे के तौर पे पैसा वसूल किया हुआ है, ठीक है, ये भी लाइबिलिटी, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है, हमने इनसे कर्जे के तौर पे पैसा लिया हुआ है और अब वो वापस अदा करना। तो देखिए हमने तीन तरह की लाइबिलिटीज लिखी, कौन कौन सी जी, क्रेडिटर्स, ऐसे लोग जिनसे हमने गुड्स उधार पे खरीदी, अकाउंट्स पेबल है ये भी लाइबिलिटी, इनका भी कर्ज हमने अदा करना है, लेकिन ये कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिनसे एसेट्स उधार पे खरीदे, लोन पेबल ये भी हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है, जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है, ठीक है जी, जिनसे हमने मनी बोरो की हुई है, ठीक है जी, लोन सिक्योर्ड और बोरोड मनी, जिनसे हमने पैसा लिया हुआ। ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर है बेटा, कोई रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं। तीनों कर्जे हैं, लेकिन कर्जों की अलग अलग टेक्निकल नाम दिए गए हैं। गुड्स उधार पे खरीदे तो अकाउंटिंग कहती है इन लोगों को क्रेडिटर कहना, एसेट्स उधार पे खरीदे तो उन लोगों को अकाउंट्स पेबल कहना है, अगर आपने कर्जा लिया है तो उसको लोन ही लिखना है आपने, ओके जी। अब आते हैं जी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ परचेजेस, अब हम देखने लगे परचेजेस करते हुए किस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। नंबर वन, परचेज ऑफ गुड्स, अब देखें जहां पे परचेजेस हों तो गुड्स लिखा जाता है, सिर्फ परचेजेस लिखा जाए या गुड्स लिखा जाए, परचेज ऑफ गुड्स इसका मतलब क्या है, ये वो चीजें हैं जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, जो हम खरीद के बेचते हैं, जो उनकी बात की जा रही है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश रुपीज 50,000, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये की चीज़ें हमने कैश पे खरीदे। नंबर टू, किसने, हमने मतलब बिजनेस ने खरीदे, फिर लिख रहा हूँ मैं परचेज ऑफ गुड्स थ्रू चेक, चेक भी हो सकता है, आजकल तो ऑनलाइन भी चलता है, ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए रुपीज 70,000, ठीक है। नंबर थ्री, आपने परचेज की है, परचेज के ऑल्टरनेटिव ना बॉट भी लिखता है, BOUGHT, बॉट गुड्स, आप क्या लिखेगा, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे, ठीक है जी, ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। इसके अलावा अब ये तीन तो ट्रांजेक्शन आ गए हमारे सामने, हमने जब कारोबार के लिए बेचने के लिए चीजें खरीदनी है, कैश पे खरीदेंगे, बैंक के जरिए खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे, इसके अलावा भी परचेजेस हो सकती हैं, सोच के बताइएगा। सोच के बताइए क्या इसके अलावा भी परचेजेस हो सकते हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने हिंट कर दिया, सोचें क्या इसके अलावा भी परचेजेस हो सकती हैं। यस, अगर ओनर खरीद के आपके बिजनेस को दे दे तो ये भी एक जरिया है परचेजेस का, ठीक है जी। तो फोर ट्रांजेक्शन लिखते हैं सी सॉरी ऑनर बॉट, वो अपने बैंक से खरीदेगा, ये जो कैश की बात है ये हमने खरीदा है, ऑनर अपने बैंक से खरीदे, कैश खरीदे, हमारे लिए वो क्या है, कैपिटल, वो जहां से मर्जी खरीदे, अगर उसने खरीद के हमें दे दी, नहीं आ जाएगा वो हमें दे रहा है।
जी किसमें आ हाँ, मैं जाएगा? कर्ज के तौर पे दे रहे हैं। नहीं, ऑनर जो हमें देगा वो कर्जा नहीं है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, कर्जा तो हम बैंक से लेंगे। या ये तीन कर्जे देखे हैं, ये तीन कर्जा है। कर्जा वो है जो हमें आउटसाइड पार्टीज देते हैं, ऑनर तो हमारी इनसाइड पार्टी है। ऑनर के अलावा हमें अगर कोई उधार पे चीज़ें देगा, कुछ भी देगा, हम उसको अगर अदायगी नहीं कर रहे हो तो वो हमारा कर्जा है। जो ऑनर हमें पे कर रहा है वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑनर बॉट गुड्स फॉर बिजनेस रुपीज 90,000। ठीक है जी। इसके अलावा परचेजेस हो सकती हैं? नहीं, इसके अलावा कोई परचेजेस की ट्रांजैक्शंस नहीं। चार तरह के ही ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर हम इसी तरह से सारे हेड्स की ट्रांजैक्शन समझ लें तो आई कैन से कि 20% अकाउंटिंग हमें, 20-30% अकाउंटिंग आ जाएगी, 50% अकाउंटिंग आ जाएगी, 70% अकाउंटिंग आ जाएगी, मोर देन 80% अकाउंटिंग आपको आ जाएगी अगर हम ये 10 हेड्स कल तक कंप्लीट करते हैं तो। अब ये सर ये कैसे कह रहे हैं कि मोर देन 80% हमें अकाउंटिंग आ गई? मतलब अकाउंटिंग है क्या? दो अलग चीज़ें, एक है अकाउंटिंग, एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट जो आज हम सीखने जा रहे हैं, ये है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग होती है किसकी? है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना इज द अकाउंटिंग। तो जब हमारे हैं 10 हेड्स ऑफ अकाउंट, हम उन 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स की ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स को जब सीख लेंगे तो हमें तो अकाउंटिंग आ गई ना। अकाउंटिंग है क्या? जब भी कोई पूछे अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग एक साइकिल है, हमें जब उस साइकिल का पहला हिस्सा यानी जिसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं, जिसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, जो हम आज सीखने जा रहे हैं, अगर ये सीख लिया तो इससे आगे तो सारा कंप्यूटर का काम है। जजमेंट्स यहीं पे अप्लाई होनी है, इससे आगे जजमेंट अप्लाई नहीं होनी। ठीक है जी। अब हमने कल कुछ कॉलम्स बनाए थे, आज उन कॉलम्स में एक कॉलम का इजाफा करूंगा। पहला हमने कॉलम बनाया था बेटा इन ट्रांजेक्शन्स के सामने अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ये कॉलम बनाया था। दूसरा कॉलम हमने बनाया था बैलेंस में मूवमेंट का, कि बैलेंस में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। इसके बाद एक कॉलम का मैं इजाफा कर रहा हूँ, और लास्ट कॉलम हमने अमाउंट के लिए बनाया हुआ। तो आप देखिएगा, अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है। पहले ही मैं हेडिंग डाल देता हूँ मैं अकाउंट, या अकाउंट की बजाय फिलहाल आप हेड लिखें, हेड या सब हेड। देखें, मैं रोजाना की बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा ना इसको एडवांस करता रहूँगा। टू बी रिकॉर्डेड, यानी जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो पूरी लाइन थोड़ी लिखनी है, इसमें से हेड्स या सब हेड्स को लिखना होता है। हेड और सब हेड टू बी रिकॉर्डेड, नंबर वन। नंबर टू हमने देखा इसमें मूवमेंट इन बैलेंस। बैलेंस मतलब उसके पैसों में, बैलेंस में जो अमाउंट है उसमें क्या मूवमेंट, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब हम देखने लगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग इस मूवमेंट को क्या कहती है? इस मूवमेंट को डेबिट कहती है या क्रेडिट कहती है? ये देखें, है क्या डेबिट क्रेडिट? क्या है? इंक्रीज इन बैलेंस। बैलेंस में इजाफा हो तो डेबिट, बैलेंस में कमी हो तो क्रेडिट, बैलेंस में इजाफा हो तो क्रेडिट, बैलेंस में कमी हो तो क्रेडिट। ये हेड्स के मुताबिक तो मूवमेंट को डेबिट का नाम दिया हुआ है, मूवमेंट को क्रेडिट का नाम दिया हुआ है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं, दिस इज न्यू फॉर अस टुडे। और लास्ट कॉलम हम बना लेते हैं जी अमाउंट का, राइट। अब आइए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कल की लर्निंग के मुताबिक परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, हमने कैश पे गुड्स को खरीदा है। तो बताइए जी, हमने सबसे पहले क्या करना होता है? इसमें से दो हेड्स ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होता है। फर्स्ट हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? यस, वेरी गुड, परचेजेस। सेकेंड हेड ऑफ अकाउंट एसेट विच इज कैश। गुड, शाबाश। ओके, अब इनको हम नोट कर लेते हैं कि हमने अपने पास रिकॉर्ड में क्या रखना है। हमने रिकॉर्ड में रखना है जिस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड परचेज। परचेज इज अ हेड, इसका कोई सब हेड नहीं, इसमें अपने नाम से रिकॉर्ड होना है। दूसरा जी कैश, कैश इज एन एसेट, लेकिन एसेट अपने नाम से तो रिकॉर्ड नहीं होता ना, सब हेड के नाम से रिकॉर्ड होता। ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें मूवमेंट। अब इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की वजह से
परचेज का जो हमारे पास बैलेंस लिखा हुआ है उस बैलेंस में इजाफा होगा या कमी होगी? इजाफा होगा क्योंकि इससे पहले तो बैलेंस था जीरो। ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हुई, जीरो से बैलेंस बढ़ के क्या हो जाएगा? हम कहेंगे हमारे कारोबार में टोटल कितनी परचेजेस हो गई 50,000 की, पहले जीरो थी अब 50,000, तो हमारे बैलेंस में क्या हो गया? परचेजेस के इजाफा, इसको इंक्रीज कहेंगे। अब मित्र देखिएगा काइंडली, एक्सक्यूज मी, ये देखिएगा मित्र परचेजेस क्या है, डेबिट हेड है या क्रेडिट हेड है? डेबिट हेड है, वेरी गुड। परचेजेस क्या है, डेबिट हेड है क्रेडिट हेड? डेबिट हेड। डेबिट हेड के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करना है? डेबिट, ये इसके सामने मैंने लिख दिया डेबिट, डेबिट है तो सिर्फ डी आर लिखा है मैंने। कितनी अमाउंट से इजाफा हुआ? 50,000। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज बताने लगा हूँ। अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या कहती है? परचेजेस डेबिटेड बाय 50,000। इस ट्रांजैक्शन में से अकाउंटिंग की लैंग्वेज कहती है परचेजेस डेबिटेड बाय 50,000। अब जिसको ये लैंग्वेज आती है उसको फौरन पता चल जाएगा परचेजेस डेबिट 50,000 मतलब परचेज का बैलेंस इजाफा हो रहा है, ये उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यानी आने वाले दिन में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से रिमूव क्या करना है, हमने सिर्फ ये मूवमेंट का जो एक कॉलम है ना इसको रिमूव कर देना, नहीं लिखना। तो बाकी क्या है? अकाउंटिंग। अब देखिए कैश, अब इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से सोच के बताइएगा, जो कारोबार में कैश का बैलेंस था उसमें कमी आएगी कि इजाफा होगा? कम हो जाएगा हमारा कैश का बैलेंस, परचेजेस हुई तो कैश अदा कर दिया, बिजनेस में से कैश कम हो गया, तो मैंने लिखा डिक्रीज। मूवमेंट क्या है बैलेंस में? कमी आ गई। अकाउंटिंग कहती है कैश के एसेट, एसेट डेबिट फैमिली है क्रेडिट फैमिली है? एसेट डेबिट फैमिली है क्रेडिट फैमिली है? डेबिट। अब डेबिट के बैलेंस में कमी आई है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। इतनी सी बात, अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गई तो आपको अकाउंटिंग समझ आ गई। अब जिसने ये लिखा हुआ पढ़ा कैश क्रेडिट 50,000, जिसको ये लिखा हुआ नजर आया, अगर उसको अकाउंटिंग आती है तो उसको पता चल जाएगा अच्छा कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कैश का बैलेंस कम हो रहा है। ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज अब जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ा कैसे जाएगा? अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, परचेज डेबिट बाय 50,000 कैश क्रेडिट बाय 50,000, ये अकाउंटेंट इस तरह से इस ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल पेश आई हो तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमारी तीन तरह की लर्निंग चल रही है। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में से हेड्स और सब हेड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा, अब हम उस ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस में मूवमेंट को देख रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब उस मूवमेंट की बेस पे हम अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, या डेबिट है या क्रेडिट है, ये है बेटा अकाउंटिंग। पहले कभी अकाउंटिंग पढ़ी आपने? आपने आपने वेरी गुड आपने पढ़ी नहीं सही ओके जी, वेरी गुड। यहाँ तक भी मुश्किल बात लगी हो, अगर आपको ये मुश्किल नहीं लगा तो बिलीव मी आपको अकाउंटिंग इंशाल्लाह बड़ी आसान लगेगी। यही वो खास एरिया जिस पे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, पता नहीं चलता कि ये डेबिट क्रेडिट क्या, ये डेबिट डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्रेडिट क्या है, इसमें परेशानी रहती है। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है जी परचेज ऑफ गुड्स थ्रू चेक या ऑनलाइन बैंकिंग 70,000। सबसे पहला काम हमने दो हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, शाबाश बेटा, परचेज एंड वेरी गुड, चेक और ऑनलाइन बैंकिंग बैंक, दो हेड्स। परचेज चूंकि उसका कोई सब हेड नहीं है तो वो तो अपने नाम से ही रिकॉर्ड होना चाहिए अकाउंटिंग में। अब दूसरा क्या है जी, बैंक, बैंक चूंकि एसेट है, एसेट ने अपने नाम से तो रिकॉर्ड नहीं होना, सब हेड क्या है? बैंक। क्लियर बेटा? अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से परचेजेस के बैलेंस में इजाफा होगा कि कमी? सबकी आवाज आनी चाहिए, इजाफा यानी इंक्रीज हो गया। अब जरा सोच के बताइए, परचेजेस बिलोंग टू डेबिट फैमिली, डेबिट फैमिली के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करना है? वेरी गुड, शाबाश, डेबिट करना है। कितनी अमाउंट से?
तो अकाउंटेंट की लैंग्वेज क्या है? परचेजेस आर डेबिटेड बाय 70,000। कोई मुश्किल बात? ओके अब बैंक के बैलेंस में सोचिए, जब आपने उधार जब आपने बैंक से पेमेंट कर दी और परचेजेस कर ली, बैंक का बैलेंस क्या हुआ? कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हो गया। तो मैं मूवमेंट क्या रिकॉर्ड करूंगा? डिक्रीज। अब अगर बैंक इज एन एसेट, एसेट डेबिट फैमिली है क्रेडिट फैमिली है? डेबिट फैमिली। डेबिट फैमिली के बैलेंस में कमी आए तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ये है बेटा अकाउंटिंग, बस इतनी सी बात थी। कोई मुश्किल? अगर आप अकाउंटिंग के रूल्स को समझ जाए और रूल्स के मुताबिक अप्लाई करें तो आप परेशानी का सबब आपके लिए नहीं बनेगा, आपको अकाउंटिंग आसान लगेगी। तो अब अकाउंटेंट कैसे पढ़ता है? कहता है परचेजेस आर डेबिटेड बाय 70,000। उसके सामने सर तीन अल्फाबेट लिखे हुए हैं, परचेज डेबिट 70,000, तो पढ़ेगा परचेजेस आर डेबिटेड बाय 70,000। जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज आती है उसको फौरन पता चल जाएगा, अच्छा परचेजेस डेबिट हो रही है, इसका मतलब परचेज का बैलेंस बढ़ रहा है। फिर लिखा हुआ है बैंक क्रेडिट बाय 70,000, तो अकाउंटेंट को फौरन पता चल जाएगा, अच्छा बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। अभी हम इस तरह से जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फौरन से समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, परचेज बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। अब दो हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले नंबर वन, यस परचेजेस, सॉरी लाइबिलिटीज हैं, वेरी गुड। लेकिन कैसे पता चल रहा है? ऑन क्रेडिट से पता चला कि लाइबिलिटी है, लेकिन जिनसे हम गुड्स उधार पर खरीदे उनको क्या कहा जाता है? क्रेडिटर्स, ठीक है जी। जिनसे गुड्स उधार पर खरीदेंगे हम अकाउंटिंग में, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, ठीक है जी, क्रेडिटर। तो दो हेड्स, नंबर वन परचेजेस, कोई सब हेड नहीं है। नंबर टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों कहा जा रहा है इनको? क्योंकि हमने इनसे उधार पर चीजें खरीदी हैं। क्रेडिटर्स कहाँ है? लाइबिलिटी है, तो मैंने आगे एल लिख दिया। क्लियर? अब बताइए परचेजेस के बैलेंस में क्या हो रहा है? वेरी गुड। क्रेडिटर के बैलेंस में क्या हो रहा है? सोच के बताइए, क्रेडिटर के बैलेंस में क्या हो रहा है? आप अगर देखें, मैं मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं वहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने परचेजेस की, परचेज का बैलेंस 40,000 से, परचेजेस की 40,000 से परचेज का बैलेंस इंक्रीज। जिनके मैंने पैसे देने हैं लाइबिलिटीज, क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी लाइबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा? कि मेरा कर्जा बढ़ गया है, उधार पे खरीदूंगा तो कर्जा भी तो बढ़ जाएगा ना। तो क्रेडिटर के बैलेंस में क्या होगा? इजाफा होगा, इंक्रीज होगा। रट्टा नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, सोचें, रिलेट करें और अप्लाई करें। यानी उधार पे खरीदने से परचेज, तो परचेज का बैलेंस तो बढ़ है। कि इससे पहले मेरे पास कितनी थी? 50,000 और 70,000। इससे पहले 120,000 की परचेजेस थी, ये मिलाऊंगा तो 160,000 हो गई। इससे पहले क्रेडिटर कोई नहीं थे, जीरो। मेरी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। पॉइंट समझे बेटा? तो लाइबिलिटी में भी इजाफा। ओके अब अकाउंटिंग का रूल अप्लाई करें। परचेजेस डेबिट फैमिली से हैं, डेबिट फैमिली में इजाफा हो तो डेबिट, अमाउंट इज 40,000। क्रेडिटर कौन सी फैमिली से हैं? लाइबिलिटी कहाँ से है? क्रेडिट फैमिली से। क्रेडिट फैमिली में इजाफा हो तो क्रेडिट, वेरी गुड। दिस इज जस्ट लाइक अ गेम। अब कैसे पढ़ा जाएगा? परचेजेस डेबिटेड बाय 40,000, क्रेडिटर्स क्रेडिटेड बाय 40,000। कोई प्रॉब्लम? मसलन नहीं बेटा, एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट, ठीक है, एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट, सेम अमाउंट से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ऑनर बॉट गुड्स फॉर बिजनेस। हाँ जी बताइए जी, दो हेड्स कौन से हैं? परचेजेस एंड कैपिटल, वेरी गुड। परचेजेस, कोई सब हेड नहीं है,
कैपिटल, कोई सब हेड नहीं है। ट्रांजेक्शन समझ आ गई। ऑनर ने अगर कारोबार के लिए खरीदा है तो इट्स कैपिटल, और गुड्स खरीदी है तो परचेजेस, नेक्स्ट मूवमेंट। आप बताइए इस ट्रांजेक्शन की वजह से परचेजेस के बैलेंस में क्या मूवमेंट है? इंक्रीज। अगर परचेज का बैलेंस इजाफा हो रहा हो तो डेबिट, अभी ऊपर यही करते आ रहे हैं सारी ट्रांजेक्शंस में, डेबिट 90,000। हाँ जी, कारोबार में कैपिटल के बैलेंस में इजाफा हुआ कि कमी हुई? सोच के बताइए, फिर सोच लें। इस ट्रांजेक्शन की वजह से कारोबार में हमारे पास कैपिटल के बैलेंस में इजाफा हुआ कि कमी? इजाफा हुआ, ओनर का और पैसा आ गया बेटा, इजाफा हुआ, इंक्रीज। अगर कैपिटल के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। कैपिटल क्रेडिट फैमिली में है, क्रेडिट फैमिली के बैलेंस में इजाफा हो तो क्रेडिट, इतनी सी बात है। ले ये भी शॉर्टकट मेथड है, बट आपको भी कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपने अपना रूल्स को अप्लाई करना सीखना, ताकि हमारी प्रोसेसिंग वैसी हो। उसकी वजह ये है, आगे जाके जब हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन देखेंगे तो एक ही ट्रांजेक्शन में हो सकता है दो हेड्स डेबिट हो रहे हो, तीन हेड्स डेबिट हो रहे हो सकता है एक ही ट्रांजेक्शन में दो से तीन हेड्स क्रेडिट भी हो रहे हो, लेकिन अमाउंट सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल डेबिट हो रहा है 90,000 से, तो क्रेडिट दो हेड्स हो रही है 50,000, 40,000। तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से हेड्स इसको क्रेडिट करना है, तो इसलिए इसको एनालाइज करना और मूवमेंट अप्लाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये बेटा आज आपने जो सीखे, दिस इज अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में जो सबसे पहला अकाउंटिंग साइकिल हमने देखा था, अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल, इसमें अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल भी कहते हैं इसको, है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है? डेबिट और क्रेडिट। तो ये हमने बेटा आज सीखा, हमने जर्नल एंट्रीज करना सीख ली है, यानी अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला मरहला या पहला स्टेप है या पहला कंपोनेंट है वो हमने सीख लिया, विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू अकाउंटिंग लैंग्वेज, जर्नल एंट्री हमने सीख ली। इसके बाद दूसरा मरहला हमारा आएगा लेजर्स। लेजर ये क्या है? क्लासिफिकेशन। अब हमने इस डाटा को क्लासिफाई करना है, यानी अकाउंटिंग का डाटा क्या है? जर्नल्स। जर्नल्स आर दी, जो आज हमने सीखा है जर्नल एंट्री जो सीखी है, ये अकाउंटिंग की किताबों में, अकाउंटिंग के नॉलेज में इसको हम कहते हैं डेटा। अब आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे लेजर्स में। लेजर्स के बाद यस ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं समरी। उसके बाद हमने इस ट्रायल बैलेंस से बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी हम अपने ओनर्स को और स्टेक होल्डर जो हमने फर्स्ट डे देखे तो उनको रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद अगेन दोबारा ये काम। अब ये अकाउंटिंग साइकिल जो है, ये इट कैन बी अकाउंटिंग साइकिल, इट कैन बी फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए बना सकते हैं, फॉर अ क्वार्टर, क्वार्टर के लिए भी बना सकते हैं, फॉर सिक्स मंथ्स पीरियड के लिए भी बना सकते हैं, फॉर ईयर भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम फॉर अ ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक महीने का कंप्लीट साइकिल, एक क्वार्टर का साइकिल, छः महीने का साइकिल, एक साल का साइकिल। इसका मतलब ये है कि एक साल में जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं सबको जर्नल एंट्रीज यानी रिकॉर्ड करें, सबको क्लासीफाई करें, सबका ट्रायल बैलेंस बनाएं और सबकी रिपोर्ट करें। इसी तरह अगर एक महीने की बात कर रहे हैं, एक महीने की का अकाउंटिंग साइकिल, तो एक महीने में जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो इन सबको रिकॉर्ड करें, उन सबको क्लासीफाई करें लेजर्स में, उन सब की समरीज बना के
ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें और उसकी बेस पे रिपोर्ट करते हैं। तो ये है अकाउंटिंग का साइकिल जो पीरियोडिकली मूव करता है। अब अगले महीने में क्या होगा, फिर ये शुरू हो जाएगा, अगले महीने में फिर ये शुरू हो जाएगा। अगर क्वार्टरली है तो पहले क्वार्टर में कंप्लीट हो गया, अगले क्वार्टर में फिर यही साइकिल शुरू, उससे अगले क्वार्टर में फिर यही साइकिल शुरू। तो ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है, पीरियोडिकली मूव करता है। क्लियर? हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ने इस पूरे प्रोसेस से गुजरना है, उसने रिकॉर्ड होना है, उसने क्लासीफाई होना है, समरी का हिस्सा बनना है, उसके बाद रिपोर्ट में। ठीक है जी। तो हमने बेटा अभी तक क्या सीखा, हमने ये सीख लिया आज जर्नल एंट्री, जो कि सबसे मुश्किल काम है अकाउंटिंग में। इसके बाद जितना काम है ना सब आसान है, और वो सॉफ्टवेयर खुद कर लेते। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक वे, जो क्लरिकल काम है, असल जो आपका काम है वो यहाँ पे है। हमेशा याद रखिएगा कि आपने अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है समझ लिया, आपको अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग है ही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते रहना। ओके जी, नेक्स्ट हेड देखते हैं बेटा, परचेज रिटर्न। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता, क्रेडिट फैमिली से बिलोंग करता है ना जी। ओके, पहली ट्रांजेक्शन देखिएगा इसकी, नंबर वन परचेज रिटर्न ऑन कैश रुपीज 5000। ऐसा भी हो सकता है ना आप चीजें वापस करें और आपको कैश मिल जाए। नंबर टू परचेज रिटर्न थ्रू चेक रुपीज 15000। नंबर थ्री लेंगे। तीन तरह की परचेज रिटर्न होती है, यहाँ तो आप वापस करेंगे चीजें तो आपको कैश मिल जाएगा, यहाँ आपको चेक मिल जाएगा, ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपने उधार पे खरीदा हुआ है तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा, पैसा तो नहीं अब आपको मिले, आपने पहले दिए नहीं था पैसा, तो वो जो आपका बैलेंस था वो कम हो जाएगा। अब इसको हमने उसी तरह तीन हेड्स में क्लासीफाई करना। नंबर वन क्या करते हैं जी, हमारा पहला काम क्या है, हेड्स हेड्स और सब हेड्स इनको आइडेंटिफाई करना है, टू बी रिकॉर्डेड यानी जिनको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, टू बी रिकॉर्डेड। दूसरा काम क्या है हमारा जी, मूवमेंट इन बैलेंस, इनके बैलेंस में जो मूवमेंट है उसको एनालाइज करना। उसके बाद हमने क्या करना है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में यहाँ तो ये डेबिट है, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद लास्ट कॉलम में हम इसकी अमाउंट को लिखेंगे। चलिए जी, नंबर वन जी, दो हेड्स आइडेंटिफाई कीजिए, परचेज रिटर्न एंड कैश, दो हेड्स आइडेंटिफाई कर लिए। नंबर वन मैंने लिख दिया जी परचेज रिटर्न, कोई सब हेड है इसका। उसके बाद है जी कैश, कैश क्या है हमारे पास, एसेट असासा है, जब तक यूज नहीं किया तब तक एसेट है। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन की वजह से परचेज रिटर्न के बैलेंस में क्या मूवमेंट है, बाद आपकी आवाज नहीं आई, इंक्रीज, बैलेंस बढ़ गया उसका, परचेज रिटर्न का बैलेंस में इंक्रीज आ गया। अगर परचेज रिटर्न को देखा जाए तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रेडिट फैमिली,
क्रेडिट फैमिली के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? इतनी सी बात है जी, ये अकाउंटिंग है। कितनी अमाउंट से? 5000। कोई मुश्किल चीज? अच्छा जी, कैश, कैश इज एन एसेट। अब बताइए एसेट के बैलेंस में क्या मूवमेंट है? परचेज रिटर्न किया तो कारोबार को कैश मिल गया होगा। कारोबार के पास कैश वापिस आया तो कैश के बैलेंस में क्या हो गया? इंक्रीज। अगर एसेट के बैलेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं? एसेट डेबिट फैमिली से बिलोंग करता है, डेबिट फैमिली में इजाफा हो तो डेबिट। 5000। कोई मुश्किल बात? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा बेटा, क्लास में ना पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। अगर गलत सोच रहे हैं बोलेंगे तो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए बोलते हुए, जवाब देते हुए। वेरी गुड, परचेज रिटर्न एंड बैंक, शाबाश। तो मैं लिख देता हूँ जी, परचेज रिटर्न, एक हेड आ गया और दूसरा क्या बताया आपने बेटा? बैंक, बैंक इज एन एसेट। इस ट्रांजेक्शन की वजह से परचेज रिटर्न के बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, यानी और ज्यादा हो गया। 5000 की परचेज रिटर्न थी, आप कितनी हो गई? 20000 की हो गई इस ट्रांजेक्शन की वजह से। इजाफा हो रहा है तो इंक्रीज। अब परचेज रिटर्न किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्रेडिट फैमिली। अब अकाउंटिंग का रूल क्या है? क्रेडिट फैमिली के बैलेंस में इजाफा हो तो क्रेडिट कर दे। वेरी गुड, शाबाश। कितनी अमाउंट से? 15000। ये है जी अकाउंटिंग। बैंक, बैंक के बैलेंस में इजाफा हो रहा है कमी? जब आपने चीजें वापस दी हैं तो आपको पैसा बैंक में मिल जाएगा, बैलेंस में इजाफा हो जाएगा। बैंक के बैलेंस में इजाफा हो तो वेरी गुड, शाबाश। डेबिट, एसेट के बैलेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट। पढ़ेंगे क्या? परचेज रिटर्न क्रेडिटेड बाय 15000, बैंक डेबिटेड बाय 15000। माशाल्लाह, गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी बताइए। यस, क्रेडिट परचेजेस थे ना, तो क्रेडिट परचेजेस थी तो क्रेडिट है, परचेजेस है तो परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न। तो दो हेड्स आ गए, नंबर वन क्रेडिटर, जिनसे उधार पे खरीदे थे। क्रेडिटर कौन होते हैं आपके? यस, दिस इज योर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स आर योर लाइबिलिटी। और दूसरा हेड क्या बताया आपने? परचेज रिटर्न। इसका कोई हेड नहीं है, ये खुद ही हेड है, इसका सब हेड नहीं होता। अब बताइए बेटा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे क्रेडिटर का जो बैलेंस है उसमें इजाफा होगा कि कमी होगी? कम हो जाएगा ना, हमने उसकी लाइबिलिटी यानी उसके कर्जा देना था, अब हमने उसको चीजें वापस दे दी तो कर्जे का बैलेंस तो कम हो गया, तो उसमें कमी आ गई, तो मैं इसको करूंगा डिक्रीज। अब लाइबिलिटी किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्रेडिट फैमिली से। क्रेडिट फैमिली के बैलेंस में कमी हो तो क्या करेंगे? डेबिट। दिस इज योर अकाउंटिंग, वेरी गुड, शाबाश। 9000 से। अब परचेज रिटर्न कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? क्रेडिट फैमिली। इसके बैलेंस में अगर इजाफा हो तो? यस, क्रेडिट अमाउंट इज 9000। कोई मुश्किल? आपने करना क्या आज घर जाके? आपने लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, ठीक है? थोड़ी सी मेरे पास एक्टिविटीज पड़ी हैं, अभी मैंने दी नहीं है तो इंशाल्लाह जरूर दूंगा। आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके आना। होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क यही रिवाइज करें जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते। हम काबिल बन लें कुछ करने के, फिर इंशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।